हेलो एवरीवन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लेक्चर 12 का सेकंड पार्ट है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम ट्रांसवर्स नेचर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बता चुके थे कि जिस डायरेक्शन में प्रोपोगेशन हो रहा है उसके परपेंडिकुलर जो है ई और एच है, ई और एच वेक्टर है। अब हमें ये और बताना है कि ई और एच आपस में भी परपेंडिकुलर है, या कह लीजिए के ई और एच तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखवा दिया था, क्वेश्चन के बाद मैंने आपको जो है ये बता दिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशंस हमारी डेल स्क्वायर ई इक्वल टू वन अपॉन सी स्क्वायर, डेल स्क्वायर ई ओवर डेल टी स्क्वायर। सिमिलरली हम एच के लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में लिख लेंगे वेव इक्वेशन। फिर हमने इसका सोल्यूशंस कंसीडर कर लिया था कि ई इक्वल टू ई नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, और एच इक्वल टू एच नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी है। और हमने क्या किया था, ट्रांसवर्स नेचर के लिए इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का डॉट प्रोडक्ट ले लिया था, या हमने टेकिंग द डाइवर्जेंस ऑफ इक्वेशन 3 एंड 4। और डाइवर्जेंस से हमारे जो वैल्यू आई थी उसको हमने मैक्सवेल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर दिया था। मैक्सवेल फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस क्या है, डाइवर्जेंस इक्वल टू 0 एंड डाइवर्जेंस एच इक्वल टू 0। वहां से के डॉट ई और के डॉट एच जो है 0 आ गया था। यहां तक हम कर चुके। अब हमें क्या करना है, आई डॉट के डॉट ई आ गया था के डॉट ई, और के डॉट एच आ गया था आई के डॉट एच या के डॉट एच इक्वल टू 0। तो इससे हमने, चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे करना है आपको ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए, दिखाने के लिए कि जो है के एच और ई आपस में परपेंडिकुलर है, तो इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 का आपको कर्ल लेना है। तो टेकिंग द कर्ल ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, तो पहले कर्ल में एक सिंपल वेक्टर का कर्ल ए लिख के दिखा देते हैं। तो आपने क्या किया, कर्ल ए इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं आई जे के डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड, और ए वेक्टर के कंपोनेंट ए एक्स ए वाई ए जेड। पता है ना कैसे लिख रहे हैं, एक बार फिर भी थोड़ा सा बता देती हूँ। डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस होता है डेल ओवर डेल एक्स आई, डेल ओवर डेल वाई जे, प्लस डेल ओवर डेल जेड के। और किसके साथ क्रॉस प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के। तो क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट फॉर्म करते हैं, आई जी के लिखते हैं। अब आई के साथ जो कंपोनेंट है दोनों में वो लिखते हैं, तो पहले डेल के साथ डेल ओवर डेल एक्स, फिर ए के साथ ए एक्स, फिर जे का डेल ओवर डेल वाई ए वाई, फिर के का डेल ओवर डेल जेड ए जेड। अब इस डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, इस आई लाइन को फिक्स कर लेते हैं। तो आई के साथ क्या आएगा, डेल ओवर डेल वाई ए जेड माइनस, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो डेल ओवर डेल वाई ए जेड माइनस, जब ऐसे जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल जेड माइनस ए जेड, मतलब ये एलजी माइनस, ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट, प्लस जे वाली टर्म। अब जे के साथ क्या आएगा, इनको हटा लेते हैं, तो जे के साथ किसकी क्रॉस प्रोडक्ट होगी, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे, प्लस जे के साथ माइनस दिस। तो डेल ओवर डेल जेड ए एक्स माइनस डेल ओवर डेल एक्स ए जेड। अब के साथ क्या आएगा, के साथ आएगा, ये वाली लाइन फिक्स कर देंगे या कह लीजिए इसको काटती है, के साथ क्या आ रहा है, डेल ओवर डेल एक्स ए वाई डेल ओवर डेल वाई ए एक्स। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं, तो कैसे बन के आएगी इक्वेशन, आ गया। अब हमें कर्ल ए ई निकालना है और कर्ल एच कैलकुलेट करना है। तो कर्ल ई का मतलब क्या हो गया, कर्ल ई डेल क्रॉस ई, ई की वैल्यू हुआ ई नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब इसमें भी ध्यान से देखें तो ई एम्पलीट्यूड है, और ये भी मैंने बताया था तीनों डायरेक्शन में है, फिलहाल हम तीनों डायरेक्शन में लेके चलते हैं। ठीक है, ये क्या है कर रहे हैं डेल क्रॉस ई में भी क्या है आई एटा, और के डॉट आर का मतलब के एक्स एक्स, के
वाई वाई प्लस के जेड जेड माइनस ओमेगा टी। ये e टू पावर तो तीनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, e नॉट x, e नॉट y, e नॉट z के साथ। तो ऐसे ओपन करेंगे तो सेम कर्ल a जैसे लिखा है कर्ल e भी लिख देंगे। तो कर्ल e इक्वल टू क्या हो जाएगा, i वेक्टर डेल ओवर डेल y ए जेड कंपोनेंट यानी ez नॉट वाला कंपोनेंट, ए वाई मतलब ई नॉट वाई वाला कंपोनेंट, ए एक्स मतलब ई नॉट एक्स वाला कंपोनेंट लिख देंगे। तो लिखिए इसे, तो कुछ ऐसी इक्वेशन बनकर आएगी। मैच करिए कि ये इक्वेशन बन के आ रही है। हमने क्या किया, ई टू पावर को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जो x वाला कंपोनेंट है जहां पे ax था वहां पे ले गए, जो ay वाला कंपोनेंट है y वाले में ले गए, जो z वाला कंपोनेंट है वो हमने z वाले के साथ लिख दिया। ठीक है, जहां पे ax, ay, az ऐसे समझ लो। ax का मतलब एक तरीके से e0x वाला हो गया, ay के साथ e0y, और जहां पे az लिखा था वहां पे e0z वाला कंपोनेंट। e टू पावर तो सब में है, e टू पावर तो सब कंपोनेंट के साथ है, तो सेम ही रहेगा। डिफरेंशिएट करना है इसको, डिफरेंशिएट करना है तो ध्यान से देखिए, हमें पहली वाली जो ये टर्म है इस पे मैं हाइलाइटर ये लगा देती हूँ, ये y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, ये तो z का कंपोनेंट है तो यानी कांस्टेंट हो गया, e टू पावर में सिर्फ y वाला टर्म जो है डिफरेंशिएट होगा। तो e टू पावर का y वाला टर्म से डिफरेंशिएट किया तो ky टर्म आएगी, बाकी सारी टर्म ऐसे कैसे, ये z टर्म देगा के जेड, बाकी सारी टर्म ऐसी कैसे, ये भी z टर्म देगा, ये x टर्म देगा, और ये x टर्म देगा, ये y टर्म देगा। तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं और देखें क्या टर्म आ रही है। तो कर्ल e इक्वल टू i कैप, और जब हमने इसका डिफरेंशिएट किया तो i के y और e नॉट z कांस्टेंट रहा, और e टू पावर बाकी सारी टर्म सेम रही, और इस पूरी टर्म को हम के डॉट आर लिख सकते हैं, मतलब वरना पूरा लिखना पड़ेगा, पूरा भी लिख सकते हैं तो ऑल लेंथी लाइन हो जाएगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि के डॉट आर की जगह हम के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड जेड भी लिख सकते हैं, और इसकी जगह के डॉट आर भी लिख सकते हैं। सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इसको अलग अलग लिखा था यहाँ पे, तो डिफरेंशिएट कर दिया। अब डिफरेंशिएट करने के बाद जो चीज कॉमन आ सकती है उसे कॉमन ले लीजिए। तो ध्यान से देखें, आई सारी टर्म्स में है, i कॉमन आ जाएगा, और साथ में e टू पावर सब में है तो e टू पावर कॉमन आ जाएगी। ठीक है, कर्ल e इक्वल टू i i कैप k बाय e नॉट z माइनस k z e नॉट y प्लस j k z e नॉट x माइनस k x e नॉट z प्लस k k x e नॉट y माइनस k y e नॉट x e टू पावर i k डॉट r माइनस ओमेगा t। e टू पावर और i कॉमन ले लिया, देखिए करके क्या के बाकी में मैं जो बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे एक छोटा सा करके भी दिखा रही हूँ। ये किसकी वैल्यू बोल रही हूँ मैं, k क्रॉस e की वैल्यू, k क्रॉस e की वैल्यू कैसे बन रहा है, i j k k x k y k z e नॉट x e नॉट y e नॉट z। तो i के साथ देखो ये टर्म आती है कि नहीं आती है, देखें, चलिए तो i के साथ आएगा k y e नॉट z माइनस k z e नॉट y आ रहा है ना। अब j वाला टर्म देखो, प्लस में k z e नॉट x माइनस k x e नॉट y e नॉट z। अब j k वाला टर्म देख लो, के एक्स ई नॉट वाई माइनस के वाई ई नॉट एक्स, है ना। तो इस पूरे को हम के क्रॉस ई लिख सकते हैं, तो इस पूरे को हमने क्या लिख दिया, के क्रॉस ई। ठीक है, और इस के क्रॉस ई में भी एक चीज ध्यान दो आप, इस सॉरी ई नॉट को भी अंदर ले गए तो ये वेक्टर ई बन गया, तो के क्रॉस ई वेक्टर हो गया। तो कर्ल ई का मतलब हो गया आई के क्रॉस ई। इसको मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन में रख लीजिए, पुट दिस वैल्यू इन मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है, कर्ल इक्वल टू माइनस डेल बी ओवर डेल टी। तो कर्ल ई की जगह हम आई के क्रॉस ई लिख सकते हैं,
बी की जगह बी नॉट ई टू पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो बी की वैल्यू रख दी। अब हमने इसे डेल ओवर डेल टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया, तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो बी तो कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है टी के रिस्पेक्ट में, के और डॉट आर भी कांस्टेंट है, आर पोजीशन वेक्टर है इसके रिस्पेक्ट में टी के रिस्पेक्ट में, और के भी, तो ओमेगा टी डिफरेंशिएट होगा तो आई ओमेगा आ जाएगा, है ना। तो आई के क्रॉस ई इक्वल टू माइनस ओमेगा बी आ गया, तो के आई से आई कैंसिल हो जाएगा, बी क्रॉस ई इक्वल टू माइनस ओमेगा बी आ रहा है। तो जब हम ऐसे समझ लीजिए, ये के है, ये ई है, ये बी या एच है, तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट ये कर रहे हैं तो ये वाली डायरेक्शन मिल रही है, तो यानी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। सिमिलरली कर्ल बी वाली टर्म या कर्ल एच वाली टर्म आप कर लेंगे, मैंने तो यहाँ आप क्या करा है डायरेक्ट लिख दिया है क्या आएगा, तो इक्वेशन करके देखिएगा आप इसको, इक्वेशन 7 and 8, इट इज क्लियर दैट ई एंड बी एच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, दैट इज के प्रोपोगेशन वेक्टर, के क्रॉस बी इक्वल टू आपको पता है माइनस में ई आई की टर्म। अभी हमने मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन में वैल्यू रखी, कर्ल बी में मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में रख लीजिएगा, ठीक है। और अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा, जो भी डाउट हो आपको वो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। होप कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। थोड़ा ये परपेंडिकुलर वाला कर्ल वाला थोड़ा लेंथी हो जाता है, और बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।